Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really really well and welcome back to yet another skincare empties plus their final words and whether I will be repurchasing them or not. So if you're interested then please keep on watching. Very first empty is this 1% Chandanam face wash from Ayuga. ये मैंने नहीं मम्मी ने finish किया है and she also loved it. You guys know मुझे बहुत अच्छा लगा था इनका face wash and अभी recently they have revamped the whole brand और अभी बिल्कुल नए concept और नए products के साथ brand आ रहा है. So I think it's not available anymore. So we need to wait and watch कि अभी क्या वो exciting नया लाने वाले हैं. सो जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि कुछ एक जो फॉर्मुलेशन जो बेस्ट थी वो दोबारा से वो रिपीट हों विद सम काइंड ऑफ ऑल्टरेशंस तो मज़ा आ जाएगा. बट या दिस वन वॉज ब्यूटिफुल फेस वॉश. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस हिमालया प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश. ना ये मेरी नहीं मेरे हस्बैंड की एम्प्टी है और उन्होंने ये परचेज किया था जब वो कहीं बाहर गए थे तो वो घर से ले जाना भूल गए थे. सो ही बॉट दिस वन बिकॉज ही वॉज लाइक कि हाँ यू नो ये अच्छा काम करता है एंड इट्स अफोर्डेबल एंड इवन स्टिल टिल दिस टाइम आई लाइक दिस क्लेंजर बिकॉज दिस वर्क्स अमेजिंगली एज अ मॉर्निंग क्लेंजर. और जब मैं इसको यूज़ करती थी मेरे एक्नेस बिल्कुल अंडर कंट्रोल थे. सो अगर आप बजट में हो इफ़ यू आर स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट दिस वन इज ग्रेट फॉर यू इफ़ यू आर अ एक्ने प्रोन स्किन. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस मेडी ग्लो फोमिंग फेस वॉश. दिस वन वॉज अ ग्रेट फोमिंग फेस वॉश. ये पहले मैंने यूज़ किया फिर मेरे हस्बैंड ने यूज़ किया. हम दोनों को ये बहुत अच्छा लगा. मॉर्निंग के लिए परफेक्ट है. आई वोंट प्रेफर दिस वन फॉर द नाइट. दिस वन इज ग्रेट फॉर पीपल हु आर जस्ट स्टार्टेड विद देयर केमिकल एक्सफोलिएशन. अगर आपने मेरा केमिकल एक्सफोलिएशन वाला गाइड वीडियो देखा है मैंने आपको बताया था कि यू शुड स्टार्ट विद क्लेंजर्स. दिस वन इज़ अनदर ग्रेट ऑप्शन अगर आप अभी केमिकल एक्सफोलिएशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हो बिकॉज इसके अंदर 1% सैलिसिलिक एसिड है, 1% ही ग्लाइकोलिक एसिड है एंड 0.5% इसके अंदर अलग हुआ है लैक्टिक एसिड. ब्यूटीफुल एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर फॉर बिगिनर्स. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस क्लीन ड्यू रेड ग्रेप फ्रूट फोम क्लेंजर. दिस इज़ आर लास्ट एम्प्टी ऑफ दीज क्लेंजर्स. इफ़ यू रिमेंबर ये हमने सेल पे 3 से 4 पिक किए थे और ये लास्ट था जो अभी मैंने करंटली मैं यूज़ कर रही थी जो अभी ख़त्म हो गया है. नाउ इसके साथ व्हाट आई फेल्ट इज़ कि जब इसको मैं यूज़ करती हूँ ना तो हल्का सा मुझे स्लाइटली मॉइस्चराइजिंग फील देता है. नॉट दैट स्क्वीकी और दैट चकचक वाला फील. लाइक क्लीन फील आती है जैसी फोमिंग क्लेंजर से आती है बट नॉट एज ग्रेट एज द नेक्स्ट वन जो मैं आपको शो करने वाली हूँ. बट हाँ अभी मैं ये नहीं परचेज करूँगी बिकॉज अब वो मुझे मिल गया है. सो वाई वुड आई वेस्ट माई मनी इन दिस. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेरेमाइड एंड विटामिन सी फेस वॉश. दिस इज़ माई सेकेंड एम्प्टी. आई जस्ट लव दिस क्लेंजर. नाउ लाइक आई सेड कि उस वो भी क्रीमी क्लेंजर है और उससे भी अच्छा वाला रिच फोम बनता है और काफ़ी अच्छा वो भी क्लीन फील देता है. बट वाइल आई वॉज कंपेयरिंग दिस टू लाइक आफ्टर यूजिंग अ क्लेंजिंग ऑयल और क्लेंजिंग बाम जब आप उसके साथ फेस वॉश करते हो तो आपको हल्का सा एक ऐसे ना लेयर सी फील होती है आपको आपके फेस पे. वेयर एज जब आप इससे इसको यूज़ करते हो तो बिल्कुल एकदम ऐसे चक चक वाला फील आता है. लाइक बिल्कुल एकदम सुपर क्लीन वाला फील एंड ऑफकोर्स विदाउट ड्राइंग आउट योर स्किन. सो ब्यूटिफुल. आई विल हाईली रिकमेंड दिस वन एंड ऑफकोर्स I have already repurchased this one. Beautiful cleanser. Next empty is this Biorka makeup remover. इसका मैंने आपको 2 मिनट रिव्यू दिया होगा अभी रिसेंटली आपने देखा होगा. ब्यूटिफुल अच्छा है बट लाइक आई सेड कि इसके अंदर फ्रेगरेंस है मिनरल ऑयल है तो मुझे ना ये जैसे अगर मैं रेगुलर बेसिस में जब मैंने इसको यूज़ किया तो इट ब्रोक मी आउट. सो आई केप्ट इट फॉर जस्ट ऑन द डेज व्हेन आई अप्लाई मेकअप और बाकी के दिनों में आई वॉज यूजिंग क्लेंजिंग बाम. सो बहुत अच्छे से मेल्ट डाउन कर देता है मेकअप को वेरी वेरी लाइट. नॉट फॉर डेली पर्पज लाइक फॉर माई स्किन दिस वन वॉज स्लाइटली इरीटेटिंग बट अदर देन दैट अफोर्डेबल है और काफ़ी लाइट ऑयल है काफ़ी अच्छे से आपके मेकअप को ये रिमूव कर देता है. आई मे रिपर्चेज दिस वन अगेन अगर मुझे कभी अच्छी ऑफिस पे मिली तो. नेक्स्ट आई हैव दिस कॉजरेक्स एंटेल एल्कोहल फ्री टोनर अनदर एम्प्टी. ब्यूटिफुल टोनर. यू गाइज नो हाउ मच आई लव दिस वन. अगर आपने मेरा बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ कॉजरेक्स वाला वीडियो देखा है आपको पता है कि मैंने ये 2 आपको सीका टोनर बताए थे. एक वो बॉटल पैकेजिंग वाला और एक ये. हालांकि उसमें सीका का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है बट दिस वन इज़ मोर सूदिंग. सो या
beautiful. I think this is my fourth or fifth bottle and I would love to repurchase this one again and again and again. Next is this Celimex ka noni toner. Thoda sa bach gaya hai because abhi expire ho chuka hai. ठीक ठाक था ये, मुझे ये रेंज उतनी ज़्यादा अमेजिंग नहीं लगी थी. ये टोनर ठीक था, इसका इमल्शन थोड़ा सा थिक था, हैवी था फॉर माई फेस बिकॉज उसके अंदर आई थिंक शिया बटर डाला हुआ था. तो मेरे हस्बैंड ने फिनिश किया था, ये भी मैंने फिर उनको ही दे दिया था यूज़ करने के लिए. बट वो भी ज़्यादा यू नो है नहीं कंसिस्टेंट यू नो स्किन केयर के मामले में, तो वो एक्सपायर कर देते हैं प्रोडक्ट्स को. तो इसकी एक्सपायरी आई थिंक अभी थी, आई थिंक सेप्टेम्बर तक थी शायद, या अक्टूबर तक थी. तो फिर ये फिनिश नहीं हो पाया और अब ये वेस्ट हो गया. ठीक है बट प्राइसी है और बहुत ज़्यादा कुछ अमेजिंग मुझे बेनिफिट्स इनसे नहीं दिखे. सो या ओके ओके, वॉन्ट बी रीपरचेजिंग. अनदर एम्प्टी इज़ दिस मिनिमलिस्ट का ग्लाइकोलिक वाला ट्रांजेमिक बॉडी पील. ये आई थिंक काफ़ी टाइम की फिनिश हुई पड़ी है, ये मेरे अंदर शेल्फ में पड़ी हुई थी तो मैंने डिक्लटर किया था, तब मैंने निकाली थी ये. सो ये बॉडी एक्सफोलिएटर है, ये भी अच्छा है. इसके अंदर 11% सैलिसिलिक एसिड, हाइलोरोनिक एसिड वो सब डले हुए हैं पिगमेंटेशन के लिए था. बट अभी आई वॉन्ट रीपरचेज दिस वन बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने डॉक्टर शेख का गुलाब एंड ग्लाइकोलिक वाली बॉडी पील ट्राई करी थी, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन बिकॉज ये बहुत कम क्वान्टिटी है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है. वेर एज़ वो भी क्वान्टिटी मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं है बट हाँ ठीक ठाक है. इसके कंपेरेटिवली वो ज़्यादा चीप है, ये थोड़ा सा मुझे महंगा लगा एंड ये जल्दी ख़त्म हो जाता है. बट अदर देन दैट इट्स अ गुड वन. बट ऑफकोर्स आई हैव दैट नाउ सो आई वॉन्ट बी गेटिंग दिस वन. नेक्स्ट एम्प्टी इज ममा अर्थ का उबतन बॉडी स्क्रब. मैंने बहुत ज़्यादा इसको इन्जॉय नहीं किया बिकॉज आई एम अ पर्सन हु प्रेफर दैट यू नो जैसे कॉफ़ी बॉडी स्क्रब है एम कैफीन का, वो पाउडर वाले स्क्रब ज़्यादा. वेयर एज दिस वन इज़ अ मॉइस्चराइजिंग बॉडी स्क्रब जो क्रीमी वाले होते हैं, लाइक जेंटल वाला जो होता है वो है ये. सो जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है बट इफ़ यू अ पर्सन हु प्रेफर जेंटल क्रीमी स्क्रब्स इट्स गोना बी ग्रेट फॉर यू. बट आई एम नॉट गोइंग टू रीपरचेज दिस वन. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस पुट सिंपली का वाटर डैम मॉइस्चराइजर. ना इसको मैंने से ट्राई किया था, फिनिश इसको मेरे हस्बैंड ने किया है बिकॉज इसके अंदर शिया बटर डाला हुआ था. बट ब्यूटीफुल जेल क्रीम टेक्सचर, वेरी वेरी लाइट, ही लव्ड इट एंड आई माइट रीपरचेज दिस वन. बट इनका जो क्लेंजर है वो तो मैं डेफिनेटली रीपरचेज करूँगी, ये तो देखूंगी. सेकेंड इनकी सनस्क्रीन भी उन्होंने ही फिनिश करी, दिस इज़ द बीट द सनस्क्रीन. ये भी ठीक है, लाइट थी, उनको भी अच्छी लगी बिकॉज ही प्रेफर समथिंग लाइट जो हैवी ना फील हो, वाइट कास्ट ना दे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आईज में स्टिंग ना करे. सो दिस वन वॉज ग्रेट फॉर हिम. सो या गुड वन बट आई वॉन्ट बी रीपरचेजिंग बिकॉज आई हैव बेटर ऑप्शंस. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस डॉक्टर शेथ का मलबरी एंड मैंडलिक एसिड पील. ब्यूटिफुल पील, आई हैव लव्ड इट. बहुत ही प्यारा जेल लाइक टेक्स्चर है बट द ओनली कॉन हेयर इज दिस पैकेजिंग बिकॉज लास्ट में क्या था ना कि ये जो पंप इसमें ना ये आती नहीं है बिकॉज जेल लाइक है तो इसमें ड्रॉपर में वो अच्छे से नहीं आती. सो आई रिक्वेस्ट द ब्रांड की यू नो एक पंप पैकेजिंग के साथ आ जाए, जैसे इनकी जेंटल पील है तो ज़्यादा अच्छा होगा. बट इट वॉज अ ब्यूटिफुल पील बिकॉज मैंडलिक एसिड था इसके अंदर, 2% नियासिनामाइड भी डाला हुआ है. Beautiful. Would love, love, love to repurchase this one again. Next empty is this hyphen ka barrier care cream. Ye maine nahi, mere husband ne finish kari because iske andar bhi perfume add kiya gaya tha. And वैसे वो light tha, meri skin ke liye bhi ye theek tha but मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग ये नहीं लगा तो मैंने फिर उनको दे दिया था एंड ही लव्ड इट. उनको ये अच्छी लगी, कहते काफ़ी अच्छी है, बहुत सुदिंग सी फ्रेगनेंस है. मैंने कहा ठीक है फिर यूज़ कर लो. बट हाँ उन्होंने यूज़ करी है, उनको अच्छी लगी है, मैं इसको रीपरचेज नहीं करूँगी. नेक्स्ट इज दिस डॉट एंड की का सीका एंड नियासिनामाइड स्पॉट रिडक्शन ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर, आई विल हाईली रिकमेंड दिस वन एंड आई जस्ट लव इट. डेफिनेटली रीपरचेज करने वाली हूँ मैं इसको बिकॉज इसके अंदर 5% नियासिनामाइड है, फ्रेग्रेंस फ्री है एंड दैट वेरी नाइस जेल क्रीम टेक्सचर है, वेरी वेरी लाइट ऑन द स्किन. डेफिनेटली गोइंग टू रीपरचेज दिस वन अगैन. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम. ये मम्मी की एम्प्टी है, ये मैंने मम्मी को दिया था आई थिंक लास्ट ईयर और अभी इस साल वो मुझे खाली करके इस डब्बे को ले आई थी. ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर फॉर वेरी वेरी ड्राई स्किन. ये वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी अच्छी है. इनका जो डैम मॉइस्चराइजर है वो भी काफ़ी अच्छा है फॉर ड्राई स्किन. तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो अगर अभी आपका स्किन ड्राई हो रहा है और इसको तो आप फेस एंड बॉडी दोनों पे लगा सकते हो. सो या ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन.
Next MT is this Scalp Pro shampoo. This one is for dandruff purpose. तो मैंने इसको try किया था, मुझे अच्छा लगा था. Then फिर मैंने अपने husband को दिया था, because उनको ज़्यादा dandruff का issue रहता है, because he exposed to more environment और अलग अलग लोगों से मिलना, तो यहाँ वहाँ you know infection spread हो जाती है. मेरा बहुत ज़्यादा exposure बाहर नहीं है, मैं जब भी जाती हूँ तो मैं गाड़ी में ही जाती हूँ, और बहुत ज़्यादा लोगों से मेरा मिलना जुलना नहीं है. I have no friend circle here, so yeah. Good one, I may repurchase this one again. Next MT is this Herbal Essence का Argan Oil of Morocco वाला shampoo. ये मैंने try किया था, ये मेरे scalp को oily करता था. This one is not for oily scalp. फिर मैंने ये अपने husband को दे दिया था और उन्होंने ही इसको finish किया है, and he liked it, उनको ये अच्छा लगा है. So ठीक है, but I won't be repurchasing this one again. Next is this Anomaly का Shine Conditioner. ये मैंने try किया था, finish इसको मेरे husband ने किया है. मुझे ये बहुत ज़्यादा ऐसे अमेजिंग ये नहीं लगा. इनका शैम्पू, क्लैरिफाइंग शैम्पू भी ठीक ठाक था, और ये भी ओके ओके है. नॉट गोइंग टू रीपर्चेज दिस वन. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस एकोलॉजिका ग्लो प्लस एलोवेरा जेल. ठीक है, वाइल्ड शेव के टाइम अगर आप लगा रहे हो तब ठीक है, आफ्टर शेव मत लगाना, बिकॉज इसके अंदर विटामिन सी है, तो इट माइट give you that slightly tingling sensation, but otherwise it's a beautiful aloe vera gel. Instead of this, I would like to go for the hydrating wala, not this vitamin C wala. Next MT is this Mama Earth ka milky soft body wash for babies. Isko maine Amira pe bhi use kiya, and even maine isko Arjun pe bhi use kiya. मॉइस्चराइजिंग है, स्किन पे ठीक ठाक सूट हुआ है, इसके बाद से अभी मैं सोप लगा रही हूँ. बट हाँ, ये भी ठीक है. अभी इनका शैम्पू मैं यूज़ कर रही हूँ, अर्जुन पे, अमायरा पे भी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो लेट्स सी ये कैसे निकलते हैं. तो इनका फुल फ्लेश्ड मैं रिव्यू आपको दे दूँगी. वैसे तो ये ठीक है, मुझे ठीक लगा है फॉर द बॉडी क्लीनिंग. नेक्स्ट एम्प्टी इज़ दिस निविया पोल एंड ब्यूटी रोल ऑन. यू ऑलरेडी नो, आई डोंट नीड टू टॉक मच अबाउट दिस वन. So yeah guys, that was the last skincare empty of this year. I hope you have a great year ahead. If you like this video, give this one a big thumbs up. Don't forget to subscribe and follow me on Instagram. I'm gonna see you in my next video in the next year. Until then, take care, stay beautiful, and wish you all a very, very happy new year.